जब से ऋचा चड्ढा ने पायल घोष को उनके गलत बयान की वजह से कानूनी नोटिस भेजा है, तब से वो ट्रोलर्स के निशाने पर है। उन्होंने हाल ही में अपने सोशल मीडिया टाइमलाइन पर एक ट्रोल का जवाब दिया है। ट्रोलर ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बॉलीवुड के ताकतवर लोगों को खुश करने के लिए सच्चाई की अनदेखी की है। इसके जवाब में ऋचा ने कहा है कि अगर अनुराग कश्यप ने उनके साथ गलत व्यवहार किया होता तो वो उन्हें अदालत में ले गई होती। ऋचा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक टिप्पणी का जवाब देते हुए लिखा, अनुराग ने बकवास की होती तो उसे लीगल नोटिस की जगह कोर्ट ले जाती। अपनी समझ अपने पास रखो, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। लड़की ने बदनाम करने की कोशिश की है। वो आगे कहती है, हम कानून का सहारा लेंगे और इस मामले को सही निष्कर्ष तक ले जाएंगे। और ज्यादा शेयर बनो, तुम्हारा हर मैसेज मेरे केस को मजबूत बनाता है। आप सभी के संदेश मेरे केस में सबूत है। जब एक प्रशंसक ने ट्विटर पर उनकी पोस्ट का स्क्रीनशॉट डाला तब ऋचा ने इसे ट्विटर पर भी शेयर किया। ऋचा का आरोप है कि पायल घोष ने फिल्मकार पर लगाए यौन शोषण के आरोप में उनका नाम बेवजह घसीटा था। इससे वो काफी नाराज है और उन्हें लीगल नोटिस भेजा है। हालांकि पायल का दावा है कि अनुराग ने उन्हें बताया था कि ऋचा, माही गिल और हुमा कुरैशी जैसी महिला कलाकार उनसे एक कॉल की दूरी पर है। उन्हें उससे भी यही उम्मीद है। अनुराग कश्यप ने इन आरोपों का खंडन किया है, उन्हें निराधार बताया है। उनका कहना है कि यह उन्हें चुप कराने की एक कोशिश है। उनके वकील प्रियंका खेमानी ने बताया है कि अनुराग इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऋचा ने प्रशंसकों को बताया था कि पायल को कानूनी नोटिस भिजवाया नहीं जा सका है क्योंकि उनके प्रतिनिधियों ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। हालांकि बाद में ऋचा ने बताया कि कुरियर से पायल को लीगल नोटिस भिजवा दिया गया है।